हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और आज हम अपना क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इससे पहले बेटा हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपने करंट की बात करी कि करंट कैसे फ्लो करता है, क्या डायरेक्शन होती है, क्या सब कुछ बात करी। आज हम करंट की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात जानेंगे। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रूल्स मिलते हैं। तो जो जो रूल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं सारे रूल्स मैं आपको कराऊंगा और सारे कंसेप्चुअल वे में करेंगे, हम यहां पर कुछ भी चीजों को रटने नहीं वाले, ठीक है। तो चैप्टर के नाम से ही आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी सर आपका करंट फ्लो करता है तो वहां पर आपका मैग्नेटिक करके कोई ना कोई आपका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और इफेक्ट क्या है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो आगे जाके मैं आपको नाम इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इसका मतलब है कि सर जहां पर भी अगर आपका करंट फ्लो होगा तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपका मैग्नेटिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एक एक्सपेरिमेंट था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो आपका ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक नॉर्मल वायर जिसके अंदर अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है और अगर इसके पास अगर आपका कंपास को रखा गया तो कंपास के अंदर बेटा आपको डिफ्लेक्शन दिखी थी। और कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन कब दिखती है, जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंट्रोड्यूस होती है। तो अपने को यह बात पता लगी कि भैया करंट के अंदर भी यानी करंट के आसपास भी एक फील्ड होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका कंपास ऐसे आगे पीछे मूव करा। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को जानना चाहें और मैग्नेटिज्म को अच्छा पढ़ना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने से पहले हमें अपने मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत आपके मैग्नेट से ही होती है। तो आपको याद है कि मैग्नेट क्या होती है, अगर आपसे मैं पूछूं तो सर मैग्नेट क्या होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ऑब्जेक्ट कौन से, जो मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो मैग्नेट आपके उन चीजों को आपके अट्रैक्ट करती है। वो क्या करती है मैग्नेट, इनके ऊपर आपके फोर्स को एग्जर्ट करती है। सर मैग्नेट कितने टाइप की होती है, जनरली मैग्नेट आपको दो टाइप की देखने को मिलती है, एक होती है बार मैग्नेट और एक होती है शू हॉर्स मैग्नेट। अगर आप बार मैग्नेट को देखें तो बार मैग्नेट आपको कुछ दिखने में ऐसी होती है, यानी इसके अंदर ऐसी आपको कुछ मैग्नेट दिखती है जिसके अंदर एक तरफ आपको नॉर्थ पोल दिखता है और दूसरी तरफ आपको कौन सा पोल दिखता है, साउथ पोल, ठीक है। और एक स्ट्रेट फॉर्म में होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। अगर मैं दूसरे टाइप की मैग्नेट की बात करूं तो वो क्या होती है, शू हॉर्स मैग्नेट। अगर आप लोगों ने टॉम एंड जेरी में देखा होगा तो वहां पे ये वाली मैग्नेट को वो यूज करते थे, टॉम एंड जेरी के नाम से आप इस चीज को देख सकते हैं। तो इस वाली मैग्नेट को क्या बोलते थे, शू हॉर्स, क्योंकि जो आपका शू होता है, जो हॉर्स होता है ना, उसके जो पैरों के अंदर आपका पहनाया जाता है ना, ठीक है, तो वो आपका इसी तरीके से आपका दिखता है। तो ये शू हॉर्स मैग्नेट होती थी जिसके एक पोल आपका क्या होता था, नॉर्थ, और दूसरा पोल आपका क्या होता था बेटा, साउथ, ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा जनरल मैग्नेट्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आपको पता है कि जो नॉर्मल मैग्नेट होती है उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ये बात आपको पता है। इफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर विद सिमिलर पोल्स, ये आपको अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, समझना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे अगर मैं ये मैग्नेट लेके आया तो अगर इसके ऊपर यहां नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और अगर एक मैग्नेट मैं ऐसे लेकर आया तो क्या ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। अगर आप देखो तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी ये कैसे हैं आपके, अनलाइक पोल्स हैं। तो यानी आपके जब अपोजिट पोल्स को अगर आप लेके आते हो तो वहां पर आपको क्या दिखती है, अट्रैक्शन दिखती है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि जब आप दो डिफरेंट पोल्स को आपस में लाते हो तो वो क्या करते हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर अभी यहां पर आपने क्या करा, दो डिफरेंट सेम पोल्स को लेके आ गए, कैसे सर, एग्जांपल आपके सामने बना देता हूं, देख लेना सर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
अब आपने क्या करा, इसको साउथ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे लेके आए मैग्नेट को, और आपने इसको थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं। अबे यार चलिए, ये आपकी ऐसे मैग्नेट पड़ गई, यहाँ साउथ और नॉर्थ, और आप यहाँ पे क्या लिया है, नॉर्थ और साउथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन से पोल्स हैं, ये आपके पोल्स कौन से हैं, सर ये सिमिलर पोल्स हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है कि अगर आप कौन से पोल्स लेके आए, सिमिलर पोल्स को लेके आए और एक दूसरे के टुवर्ड्स, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसी चीज को आपको इस डायग्राम के अंदर यहां पर बनाने की कोशिश की गई है कि अगर आपने यहां पर क्या करा है, सेम पोल्स को लेके आए हैं तो ये आपके एक दूसरे से अपोजिट भाग रहे हैं, सेम पोल्स को लेके आए हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट दो केसेस में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और नीचे वाले दो कोर्सेज में देखें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुई वाली बात, पक्का? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यही बात आपकी लिखी है कि मैग्नेटिक पोल्स आपस में रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। तो जो आपके सिमिलर पोल्स होंगे वो आपके रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यही बात आपकी लिखी है। अब बात करते हैं हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्या होती है। तो आपको पता है कि आपके एक मैग्नेट है, मैंने कहा कि आपकी ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो हर अब मैग्नेट अपने पास क्या करती है, एक फील्ड, एक दायरा अपने आसपास क्रिएट करती है। इस दायरे के अगर अंदर, अगर इस दायरे के अंदर मान लो कि यहां पे ये है, अगर मैं मैग्नेट को यहां पर रखूं, यहां पर नॉर्थ साउथ ऐसे एक मैग्नेट को और रख दूं, तो ये मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये मैग्नेट आपके इसकी रीच से बाहर है। तो हर मैग्नेट अपना एक दायरा आपका यहां पर फिक्स करती है। तो अगर उस दायरे के अंदर कोई भी मेटल या कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो उसके ऊपर ये मैग्नेट क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। क्या बोला मैंने कि हर मैग्नेट अपने आसपास एक दायरा करती है, एक दायरा फिक्स रखती है कि अगर उस दायरे में कोई भी मेटल या कोई भी मैग्नेट आया तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और वो फोर्स क्या कहलाती है, आपकी मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है तो उस स्पेस को क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि इसके पास आपका मैग्नीट्यूड भी मौजूद होता है और डायरेक्शन भी मौजूद होता है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, दोनों चीजें इसके पास मौजूद है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इनके बारे में हमें समझाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इनको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना बेटा, आपकी ड्रॉ की जाती है। अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ड्रॉ होती है। कैसे चलती हैं, आपके नॉर्थ से निकलती हैं और कहां पे आती हैं बेटा, आपके साउथ पे आती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को आपकी ड्रॉ करती हैं और आपके मैग्नेटिक पोल्स को दिखाती हैं। ये कहां से बिगिन होती हैं, इट बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और आपके साउथ पोल पर एंड होती है। क्लियर? समझ में आ गया। बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हो, और जो स्टार्ट कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, और खत्म कहां होती है, आपके साउथ पोल पे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड बाकी लाइंस को पता लगाने के लिए कि भैया वो नॉर्थ से ही स्टार्ट होती है और साउथ पे ही क्यों खत्म होती है। तो आप क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लिया आपने, क्या किया आपने, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के नीचे आपने क्या लगा दी, अपनी बार मैग्नेट लगा दी, ठीक है। और उसके ऊपर आपने क्या करा, कार्डबोर्ड के ऊपर अपनी आयरन फिलिंग जो थी आपकी, उनके ऊपर आपने ऐसे डाल दिया। तो आपको पता है नीचे बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर उसके अंदर कोई मेटल आयरन आए, आयरन नेल्स आए, तो वो आसपास क्या करेंगी, एक आपका पैटर्न बनाती हैं। तो वो कैसे करते हैं वो जरा देखना, ये आप जरा ध्यान से यहां देखेंगे। तो आपका ये बोर्ड है, बोर्ड के नीचे आपने यहां पर क्या लगा रखी है,
बार मैग्नेट लगा रखी है, ठीक है। ये आपका कार्डबोर्ड है, पेपर इसका ही मान लो, और इसके ऊपर आपने क्या करा, अपनी आयरन फिलिंग्स को यहां पर डाल दिया। तो यहां पर ऑब्जर्व क्या होता है, जब हम थोड़ी देर बाद मतलब आपके कुछ सेकंड बाद देखते हैं, तो ये आयरन नेल्स जो होती है ना, आपके आयरन फिलिंग्स हैं, यहां पर एक पैटर्न बनाती हैं। वो कैसा पैटर्न होता है, वो आपका ऐसा पैटर्न आपको कुछ वहां पर दिख रहा होता है। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि अगर आप पोल्स पे देखें तो पोल्स के ऊपर आयरन फिलिंग्स बहुत ज्यादा आपको टेंडेंसी में दिखती हैं, और बाहर आपको आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसी आपको नजर आती हैं। तो इसका मतलब आपका ये कुछ आपका एक्सपेरिमेंट कि बगैर पोल्स आपके यहां पे दो पोल्स होते हैं और पोल्स के ऊपर आपकी ऐसी है। अगर एक कंपस का भी एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाता है कि कंपस के अंदर अगर आप डायरेक्शन देखें तो आपकी ऐसी डायरेक्शन दिखा दी जाती है, कंपस की कुछ ऐसी ऐसी डायरेक्शन आपके दिखा दी जाती है। इसका मतलब कि वो नॉर्थ से आपके कंपस मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ के अंदर आपकी एंटर कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट से अपने को पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके इसके आसपास कुछ होती हैं जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और आपके साउथ पे जाती हैं। पेपर के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और 3 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। यहां से आपको क्वेश्चन सीबीएसई में जरूर देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करो। तो इनकी प्रॉपर्टीज को सारे को पढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको बता दिया, बार मैग्नेट के आसपास जो फील्ड लाइंस होती है उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को जरा देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और एंड कहां होती है, साउथ पोल पे। ये हो गई आपकी पहली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कम क्लोजर टू वन ईच अदर नियर द पोल्स। पोल्स पे अगर आप ध्यान से देखें तो पोल्स पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहां पर कितनी ज्यादा नजर आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पोल के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती हैं और आउटसाइड आपकी कैसे रहती हैं, वाइडली सेपरेटेड रहती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपको आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। पेपर में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे क्रॉस कर जाए, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब है कि अगर क्रॉस करने का मतलब है कि यहां पर आपके नॉर्थ पोल या साउथ पोल की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आपको यहां पर निकल के आएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। हमने एक ही डायरेक्शन पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो अगर यहां पर आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब कि यहां पर आपके दो डायरेक्शंस होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो कर जाए तो इसका मतलब कि वहां पर आपके दो डायरेक्शंस आपको निकल के आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ड्यू टू दिस रीजन आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये 3 प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे, या तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछेगा या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। समझ में आ गई वाली चीज। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, कि आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो अगर आपको पता है कि अगर किसी भी वायर के अंदर अगर आपका करंट फ्लो कर रहा हो तो वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड आसपास होती है। मैंने क्या बोला, अगर जैसे आपकी ये वायर है, इस वायर के अंदर अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास पक्का पक्का एक फील्ड होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो अगर किसी भी वायर के अंदर अगर आपका करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक स्पेस के आसपास आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। क्लियर है वाली बात। चलिए ठीक है, ये आपको यहां पर एक छोटा सा आपको यहां पर एक एक्सपेरिमेंट आपको करा रखा है। इस चीज को देखना कि यहां पे आपका आपने स्विच को प्रेस नहीं कर रखा, ये आपका नॉर्मल सर्किट है। तो आपका ये कंपास है, कंपास के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही आपने इसको स्विच को प्रेस करा और इसके अंदर आपका करंट मूव करना स्टार्ट करा तो यहां पे आपको कंपस के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। कंपस का जो निडल है वो आपके डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब आपका करंट आपका मूव करा तो इसके अंदर करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आई, जिस वजह से आपका निडल ऐसे आपका
मूव करा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास प्रोड्यूस करता है। यही चीज आपको मैंने पहले भी समझाई थी। अगली चीज देखें तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। अगर किसी वायर के अंदर, स्ट्रेट वायर के अंदर अगर हमारा करंट अगर आपका फ्लो कर रहा हो तो वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को कैसे निकालें, ठीक है? तो आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं राइट एंड थंब रूल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये वायर है और मैंने बोला इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट आपका ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैंने बोला कि यहां पर आप मुझे क्या निकाल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल कर दो, तो कैसे निकालोगे, जो आपका करंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके थंब को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रेट वायर के अंदर आप मान लीजिए आपने ऐसे वायर को पकड़ा और करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट को हमेशा किससे दिखाएंगे, थंब से दिखाएंगे, और आपकी जो फिंगर्स होंगी, फिंगर्स क्या दिखाएंगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी। तो यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ आएगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कई बार आप यहां से बी से भी दिखा देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे आ रही है। और अगर इसको मैंने अपोजिट कर दिया, मान लो सर आपने कहा कि सर मैंने वायर ये ली और वायर के अंदर करंट मैंने नीचे की डायरेक्शन में दिखा दिया, तो अब मैं सर यहां पर कैसे निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल है सर, करंट आपका नीचे की तरफ है, थंब आप नीचे की तरफ दिखाएंगे राइट हैंड में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरफ आएगी, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसी आएगी। तो जब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। और जब मैग्नेटिक आपका करंट आपका ऐसे ऊपर की तरफ था तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई थी वो कैसी आई थी, एंटी क्लॉकवाइज आई थी, याद है ना, ऐसे अभी निकाला था, ऐसे आई थी आपकी, ये कैसी आई थी, एंटी क्लॉकवाइज आई थी। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, समझ में आ गया। तो अगर आपको स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टिंग वायर का अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे निकालोगे, वहां पर राइट एंड थंब रूल को यूज किया जाता है, जहां पे थंब आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? और उस दो पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। अगली चीज आपको यही लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक चीज आपका करंट और दूसरा चीज डिस्टेंस। कैसे सर, समझिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लीजिए, ठीक है? देखना, मैंने बोला कि ये आपकी एक वायर है और मैंने बोला आपकी कि ये वायर है, मैंने कहा इस वायर के अंदर आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और मैंने कहा इस वायर के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ इन दोनों के अंदर से किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर जिस केस के अंदर आपकी करंट की वैल्यू ज्यादा है उस केस के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड को एम से ना दिखा के ज्यादातर बेटर यही है कि आप इसको किससे दिखाएं, इसको बी से दिखाएं। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन, आपको मैंने एक वायर ये दी है जिसके अंदर करंट यहां फ्लो कर रहा है और मैंने कहा कि एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पड़ा है ए और एक ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है बी। मैंने कहा बताओ ए और बी, अगर ये दोनों क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं। मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों में से किस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में से किस पे ज्यादा होगा। तो आपका रिप्लाई क्या आया मेरे पास कि सर जो फोर्स ए है उसके ऊपर आपकी क्या लगेगी, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी। ये ऑब्जेक्ट ए जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो ज्यादा लगेगी और बी पे कम। क्यों? क्योंकि इस वायर से सर जो इसका डिस्टेंस आ रहा है और इस वायर से जो इसका डिस्टेंस आ रहा है, तो यानी आर वन का जो सर जो डिस्टेंस है वो कम है किससे, आर टू से। इसीलिए सर आर वन के ऊपर जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी किससे, एफ टू से। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपके किस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे,
और डिस्टेंस किससे, वायर की। तो ये दो बातें आप यहां पर इजीली पढ़ सकते हैं और इस चीज को यहां पर इजीली समझ भी सकते हैं, ठीक है। इसको और छोटा कर देते हैं। चलिए समझ में आ गया। तो यही चीज लिखी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके करंट पे कितना पास कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्टेंस के। क्लियर जी, चले आगे। चलिए आगे चल रहे हैं। अगला आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है कि सोलेनोइड क्या होती है। बेसिकली यहां पे सोलेनोइड आपको रियल एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही देखने को मिलती है। यहां पे आपके ऐसे कॉपर वायर्स को ना यहां पे वाउंड कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं यहां पे कॉपर वायर के, और इसी को आप क्या बोलते हो, सोलेनोइड बोलते हो, ठीक है। तो सोलेनोइड की अगर आप डेफिनेशन देखें तो सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या है यहां पर, कि द सोलेनोइड इज द लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आपकी होती है उसको क्या बोलते हो, सोलेनोइड बोलते हो, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सोलेनोइड क्या है, आपका जो सोलेनोइड है करंट कैरिंग सोलेनोइड है आपका, अगर उसके अंदर में सोलेनोइड है, आपने सोलेनोइड बनाया, मान लो ऐसे बनाते थे ना, अगर मैंने कहा इस सोलेनोइड के अंदर अगर आपका करंट पास कर रहा है, बाहर से आपने इसे करंट पास कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो सोलेनोइड आपका करंट पास कर रहा है, यानी इसके आसपास क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी सिमिलर होती है किसके, बार मैग्नेट के। इसकी सिमिलर होती है किसके, बार मैग्नेट की। और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी अभी आपने सीखी, पेपर के अंदर क्वेश्चन एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको सोलेनोइड देखने में कुछ इस तरीके का आपको देखने में मिल जाता है, ठीक है। वहां वो आपका रियल है, इसको हम ऐसे यहां से बना देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सोलेनोइड हो गई। यहां पे आपके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहां पे आपका पोल नॉर्थ, ये आपका साउथ, और यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आपकी निकल रही हैं, साउथ के अंदर ऐसे आ रही हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका सिमिलर होता है किसके, बार मैग्नेट के। अभी आपने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे साथ अभी बनाई थी। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सोलेनोइड में किस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। आपने एक दो सोलेनोइड बनाए, एक आपने ये बनाया और दूसरा सोलेनोइड आपने ये बनाया। मैंने कहा बताओ इन दोनों सोलेनोइड्स के अंदर आपके किस में ज्यादा मैग्नेटिज्म होगी, तो आप क्या बोलेंगे, सर इस वाले आपके सोलेनोइड के अंदर ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि सर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आने की वजह से सर इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दूसरे की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन सोलेनोइड, कि अगर आपने करंट, अगर आपने सोलेनोइड के अंदर एक जगह, मान लीजिए आपका एक सोलेनोइड ये है और एक आपका सोलेनोइड ये, दोनों बराबर है, ठीक है। आपने सर सेकंड वाले सोलेनोइड के अंदर अगर आपने करंट को ज्यादा डाला, अगर आपने इसके अंदर आपने करंट की वैल्यू को ज्यादा रखा, तो इसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट था। थर्ड क्या है कि यहां पर जो आप मटेरियल यूज करते हैं, अगर आप यहां पर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो मटेरियल किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड या फिर सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने वहां पर मैग्नेट, आपने अपनी सोलेनोइड के अंदर अगर आपने ये सॉफ्ट आयरन यूज करा, तो वहां पर आपकी जो मैग्नेटिज्म होती है वो क्या हो जाती है बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। तो सोलेनोइड के आपको तीन फैक्टर्स मैंने बता दिए कि अगर आपने वहां पर करंट को ज्यादा रखा तो सोलेनोइड क्या होगा, वो ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लिए तो सोलेनोइड क्या करेगा, ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपने उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे लपेट दिया तो वो क्या करेगा, आपकी ज्यादा मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर ये वाले तीन पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक अब और भी कुछ पॉइंट है यहाँ पे, और भी पॉइंट पढ़ते रहिएगा कि जैसे आपने ये सोलेनोइड बनाया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पढ़ी, तो जो आपका सोलेनोइड है ना, जिस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है बेटा, आपके मोर होती है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे लाइन होंगी वो क्या होगी, लेस होगी। ये पॉइंट को आप नोट
कर सकते हैं। तो यही पॉइंट आपका यहां पर लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होती है सोलेनोइड की वो ज्यादा होती है बट आउटसाइड के अंदर कम होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपके हर जगह आपके अंदर भी और बाहर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो दोनों क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ये आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनोइड में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में पूछते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेट का यहां पर कोई ना कोई रिलेशन है। तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेट आपकी किस पे वर्क करती है, आपके इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती है, यानी आपके इलेक्ट्रिक करंट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करती है। आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिक मैग्नेट ऐसे है, तो जब आप क्या करते हो, आपने क्या करा, लॉन्ग कॉपर की वायर, जैसे आपकी ये कॉपर की वायर है, इसको आपने बाउंड करा किसके, आपने ये क्या है आपका सॉफ्ट आयरन कोर। क्या मतलब है, आपने सॉफ्ट आयरन कोर के आसपास जब आपने कॉपर वायर को ऐसे बाउंड करा और इसके बाहर से आपने क्या प्रोवाइड कर दी, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी लगा दी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, तो ये मैग्नेट आपकी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो डेफिनेशन पढ़िएगा, डेफिनेशन से चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल कॉपर वायर की जो किसके आसपास रैप होती है, सॉफ्ट आयरन कोर के। और ये मैग्नेटाइज कब होगी, जब आपने बाहर से क्या दिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पास किया। समझ में आ गया, तो सॉफ्ट आयरन कोर के आसपास आपने यहां पे कॉपर की वायर को आपने ऐसे लपेटा और ये मैग्नेटिज्म तभी प्रोड्यूस करेगी जब आपने बाहर से आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया। तो ये इस वाली ऐसी मैग्नेट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। क्लियर हुई वाली बात, बताओ पक्का। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। आप पेपर में पूछ लेते हैं कि सर यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर को ही क्यों यूज किया जाता है, क्या हम कुछ और यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम यहां पर कुछ और यूज नहीं करते, अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो कोर होता है ना, अगर हमने बाहर से करंट देना रोक दिया, तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, अपने अंदर की सारी मैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि अगर हमने बाहर से आपके मैग्नेटिज्म को, अगर हमने बाहर से करंट देना रोक दिया, तो वहां पर वो मैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑफ, देन द सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं बेटा, सेफ होते हैं। अगर हमने सॉफ्ट आयरन कोर की जगह सर हमने स्टील यूज कर लिया, अगर हमने स्टील को यूज कर लिया बनाने के लिए, तो वहां पर वो मैग्नेटिज्म आपकी लॉस्ट नहीं होती। तो अगर हमने करंट को बाहर से, व्हेन द करंट इज स्टॉप, हमने करंट बाहर से देना बंद कर दिया, तब भी आपकी वो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म होगी और वो एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कंसेप्चुअल वेव के अंदर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आपको यहां पर क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, सेम आपके सोलेनोइड की तरह है। अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपने जो आपने कॉपर के वायर के लिए अगर आपने वो ज्यादा ले लिए, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगेन अगर आपने जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अगर आप बाहर से जो बैटरी से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने करंट को ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई है दो फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर इसके आपकी ये दो जो फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है आपको पता लग गया कि सर सॉफ्ट आयरन कोर के आसपास जब आप कॉपर वायर को ऐसे लपेट देते हैं और बाहर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम आयरन की क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, स्टील क्यों नहीं यूज करते, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। और उसके बाद दो फैक्टर्स बताए कि किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लिए तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी, अगर आपने वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया, कम ले लिया, तो यहां पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर आपने बाहर से प्रोवाइड करने वाले करंट को इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए एक तरफ 3 एम्पियर एक तरफ 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का अगर आप करंट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका और स्ट्रांग होगी।
क्लियर हो गया। तो यहां पे आज हमने मैग्नेटिज्म का जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, इनकी बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी बात को आगे ले चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो अपना ध्यान रखिए, हमेशा ठीक रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।